जब आप लोग जो अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपके सामने जो कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर में हाईलाइट करके लिखा हुआ मिल जाता है, वी हैव डिसेबल्ड योर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग जो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हो, एंड इस प्रॉब्लम को फिक्स करके आप लोग जो किस तरह से फिर से अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर सकते हो। देन आप लोग भी सीखना चाहते हो इस ट्रिक को, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। एंड आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ में आपको एक बेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे ऑल पे सेट करो ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है, जैसे कि मैं आ चुका हूँ, एंड उसके बाद आपको जो अपने फेसबुक अकाउंट को क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग जो अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वी हैव डिसेबल्ड योर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा ही प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो क्यों डिसेबल्ड किया गया है। एंड इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ को रीड कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो क्यों डिसेबल्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव रिव्यूड योर अकाउंट एंड फाउंड दैट इट स्टिल डज नॉट फॉलो अवर टर्म्स ऑफ सर्विस। मतलब यहाँ पर फेसबुक टीम का कहना है कि उन्होंने आपके फेसबुक अकाउंट पर रिव्यू किया है, एंड उन्होंने फाइंड किया है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो फेसबुक टीम द्वारा बनाई गई टर्म्स ऑफ सर्विसेज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए उन्होंने आपके फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे डिसेबल्ड कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने फेसबुक पर कोई भी मिस्टेक नहीं की, एंड ना ही कुछ भी ऐसा किया है जिससे फेसबुक द्वारा बनाई गई टर्म्स एंड सर्विसेज को ब्रेक किया जाए, फिर भी उनका अकाउंट जो है डिसेबल्ड कर दिया गया है। तो वो लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, वो लोग इजीली अपने डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अपने डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए आपको करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो एक न्यू टैब बनानी है, न्यू टैब बनाने के बाद आपको जो कुछ भी नहीं करना, सर्च बार पर टैप करना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है डिसेबल्ड अकाउंट। जैसे ही आप लोग जो डिसेबल्ड अकाउंट सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पे आपको जो एक लिंक देखने को मिलेगा, डिसेबल्ड अकाउंट फेसबुक हेल्प सेंटर। जस्ट आपको इसी लिंक पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग जो इस लिंक पे टैप करोगे तो यहाँ पे फेसबुक का ऑफिशियल हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा, जो कि डिसेबल्ड अकाउंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको जो ऊपर में थ्री लाइन्स देखने को मिलेंगी, जस्ट आपको इन पे टैप करना है। जैसे ही आप लोग जो इन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग वाले पे, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको जो फिर से काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम विद फेसबुक। मतलब हमें यहाँ पे जो फेसबुक के साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी रिपोर्ट करेंगे। तो सिंपली हम जो सेकंड वाले ऑप्शन को टैप करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन को टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की साइड में आ जाना है। नीचे की साइड में आने के बाद यहां पे आपको जो ब्लू कलर में लिखा हुआ मिल रहा होगा, गिव फीडबैक अबाउट इट, जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, आपके सामने जो अगेन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको जो ब्लू कलर में लिखा हुआ मिल रहा होगा, प्रोएक्टिव फीडबैक, जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो एक फीडबैक का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो फेसबुक टीम को फीडबैक देना है सबसे पहले। अब फीडबैक किस तरह से देना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट का फीचर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो लॉगिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो लॉगिन इशू आ रहा है, क्योंकि हम अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो है योर फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड उसके नीचे आपको जो है एक ब्रैकेट देखने को मिल रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक अपील बनाया हुआ है, मैं आपको वो अपील भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये वो अपील है जो कि मैंने रेडी किया है आपको। इस वाली अपील को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो है इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको जो है नीचे में एक सेंड बटन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको इस सेंड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग जो सेंड बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो अपील है वो जस्ट यहाँ पर फेसबुक टीम को सेंड हो जाएगी। सेंड होने के बाद यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो एक लास्ट स्टेप और करना होगा, उसके लिए हमें करना क्या है, फिर से एक न्यू टैब जनरेट करनी है, ठीक है। न्यू टैब जनरेट करने के बाद यहां पे अब हमें सर्च करना है कंफर्म योर आइडेंटिटी। हम यहां पे ये सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जब कंफर्म योर आइडेंटिटी सर्च करोगे तो यहां पे आपको जो है फर्स्ट नंबर पर ही फेसबुक की ऑफिशियल लिंक देखने को मिलेगी कंफर्म योर आइडेंटिटी के नेम से। जस्ट आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहां पर आपको जो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अपलोड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर आपको जो फेसबुक टीम को एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेसबुक टीम को सेंड करने वाले हो उस डॉक्यूमेंट का नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके फेसबुक अकाउंट से मैच करना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे आपका जो डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट है ओपन होगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी गलत डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो यहाँ पे आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो नीचे में फिर से एक सेंड बटन देखने को मिलेगा, इस सेंड बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को भी जस्ट यहाँ पे फेसबुक टीम को सेंड कर देना है। जैसे ही आप लोग जो इस फॉर्म को सेंड कर दोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो दोनों प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप पे आना है। फर्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहां पे आपको जो अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहां पे अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूं। लॉग आउट करने के बाद यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहां पे आपको जो 48 आवर्स का वेट करना है। एंड 48 आवर्स के अंदर आपको जो फेसबुक टीम की तरफ से एक मेल रिसीव हो जाएगा, जिसमें बता दिया जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया गया है। एंड उसके बाद आपके अकाउंट को जो अनलॉक कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो इजीली अपने अकाउंट को ईमेल एंड पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस आपको यही चीज़ बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में।